पूरे परिवार के लिए एक नई हिंदी वेब श्रृंखला अंतर्राष्ट्रीय ओटीटी प्लेटफॉर्म वजफ्लिक्स एंटरटेनमेंट्स पर स्ट्रीम होने जा रही है। महाराष्ट्र प्रोडक्शन हाउस संजीवनी क्रिएशंस निर्माता श्री कश्यप वेद और धैर्य ठक्कर द्वारा एक नई हिंदी वेब श्रृंखला श्री अंकुर काकतकर द्वारा लिखित और निर्देशित वजफ्लिक्स एंटरटेनमेंट पर दिखाई जाएगी। महेश ठाकुर और मौली गांगुली मुख्य अभिनेता हैं। इसमें रोमांस, ड्रामा, रहस्य और थ्रिलर से सभी स्वाद होंगे। शूट कर रहे हैं तो इस सब्जेक्ट का एक महत्व है जो कि हमारे कंपनी के सीईओ है जिनका नाम है प्रवर सेन एसाम्ब्रे करके, वो मेरे बड़े भाई है। उन्हें एक थॉट आया था, वो काफ़ी कुछ लाइक महेश सर जो थॉट आया था ना वो भी जैसे आप इसमें जो 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 चीज़ें कर रहे हैं ना लाइक दैट, वो ऑफिस में वही चीज़ें वो इतना क्रिएटिवली चीज़ें करते रहते हैं। तो फिर मैंने बोला अंकुर के साथ में बैठ जाओ, वन लाइन तैयार की, हमने प्लॉटिंग किया, ये वेब सीरीज इतना अच्छा बना कि हम जिनको आदर्श मानते थे, हम बचपन से देखते हैं, वो लोग आज हमें एक अप्रिशिएट कर रहे चीज़ों को लेकर कि आप लोग इतना अच्छी चीज़ बना रहे हो बिकॉज ऑफ अब ये कैरेक्टर्स जी रहे हैं। सो नत्थू जी हो गए, मैम हो गए, पिंटल सर को तो हम बचपन से देखते आ रहे हैं, ऑलमोस्ट सभी को। सो हमारा एक ही ये रहेगा कि हम बसफ्लिक्स ओटीटी के माध्यम से सिर्फ और सिर्फ हम फैमिली कंटेंट के साथ में ही जाना चाह रहे हैं, जो कि हमें कोई गंदगी नहीं दिखाना है, कोई एब्यूसिंग लैंग्वेज यूज़ नहीं करना है। हम आगे भी यही चीज़ बोलते रहेंगे और बस हम इसी तरह से आपके साथ में जुड़े रहेंगे और व्यूवर्स हम इसी तरह से हम चाहते हैं कि हमें खुशियाँ। नमस्कार, मेरा नाम समीर शनॉय, बसफ्लिक्स एंटरटेनमेंट और संजीवनी क्रिएशंस की तरफ से और हमारी पूरी यूनिट और टीम की तरफ से आप लोग का स्वागत है। बसफ्लिक्स का जन्म हुआ था ये सोच के कि एक पर्टिकुलर सेगमेंट जिसे हम टारगेट कहीं नहीं कर पाए अब तक ओटीटी चैनल, वो सेगमेंट को लेकर हमने अपनी शुरुआत की ऊपर वाले की दया से। और क्या बताएं, जैसे दिन गुजरते गए हमारी टीम बढ़ती गई, हम एक से दो, दो से चार, पाँच से आठ बनते गए और हमारी ये प्रोफेशनल टीम बन के एक कोशिश रहेगी, ये कोशिश रहेगी कि हमारी इंडियन संस्कृति जो हम भूल रहे ओके, वो संस्कृति को वापस दर्शाया जाए और दिखाया जाए पूरी दुनिया को, नॉट जस्ट इन इंडिया, इन द होल वर्ल्ड, दैट व्हाट आवर संस्कृति इज़ ऑल अबाउट। और हमारी भारत माता की जय, हम भारत माता को सब जगह दिखाएंगे। एक पॉइंट प्रॉबली मैं यहाँ पे मेंशन करना चाहता हूँ, कि ओटीटी फॉर फैमिली थोड़ा शॉकिंग लगता है, क्योंकि आज तक प्रॉबली पैंडेमिक के बाद ऐसा एक कोट अनकोट टैगिंग हो गया था कि ओटीटी कंटेंट अकेले देखे जाए। बट आई नीड टू कंग्रेचुलेट राकेश एंड समीर हियर हु हैव taken a very quote unquote bold step and a brave step, कि वो एक ऐसा content लेके आ रहे हैं, वो एक ऐसी कथाएं लेके आ रहे हैं जो पूरा परिवार साथ में बैठ के देखे और पूरा परिवार एक साथ बैठ के वापस एक बार मुस्कुराए। और मुद्दे वाली बात definitely सबने बहुत अच्छा बोला है और मैंने पहले ही कॉन्फ्रेंस से कहा था कि मेरे लिए थोड़ा कुछ बोलने के लिए छोड़ देना, लेकिन इन लोगों ने सब बोल दिया है। पर मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि हम जो मेकर हैं, कलाकार हैं, डायरेक्टर है, प्रोड्यूसर है, सबके लिए वो प्लेटफॉर्म कोई भी हो, सिनेमा हो, सीरियल हो, ओटीटी हो, कुछ हो, हमारे लिए वो क्रिएटिविटी वो एक ही है। हम जब कैमरे के सामने आते हैं या कैमरे के पीछे होते हैं तो हम ये याद करके नहीं बोलते कि यार ये फिल्म है इसको इस तरह शूट करूँगा और या ओटीटी है इसको इस तरह। तो एक बहुत सादी, सिंपल, बढ़िया यूनिट मिली है। मुझे एक चीज़ याद आ गई, मैं ऋषिकेश मुखर्जी साहब के वेरी बहुत क्लोज था, तो एक बार मैंने उनसे कहा था कि आपकी फिल्में बड़ी होल्डिंग, बड़ी इंटरेस्टिंग होती हैं, तो उन्होंने कहा था
कि बेटा मेरा एक ही असूल है कि मैं सिंपल स्टोरी सिंपली बोलता हूँ, सिंपल स्टोरी सिंपली टोल्ड. तो दिस इज व्हाट अंकुर इज डूइंग, दिस इज व्हाट एवरीबॉडी इज डूइंग. बहुत प्यारी लाइन है, बड़ी प्योर लाइन है, बहुत नियत साफ है. मुद्दे हैं जो आज के मुद्दे हैं, लेकिन उसकी जो पैकेजिंग है बड़ी सिंपल है. तो मुझे पूरा विश्वास है कि हमारे देखने वालों को ये सीरीज़ बहुत पसंद आएंगी और आइडेंटिफाई कर सकेंगे. और एक बहुत बड़ी बात इन्होंने कही थी, मुझसे ये कही थी कि ये सीरीज सारे घर वाले इकट्ठे बैठ के देखेंगे. आजकल एक OTT के नाम पे लोगों ने जो गंदगी फैलाई थी उससे हटके है, और कैरेक्टर सारे बड़े क्यूट, बड़े प्यारे कैरेक्टर हैं. और एज अ सीनियर मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि हम इसी तरह अच्छा काम करते रहें, लोगों की सेवा करते रहें, एंटरटेन करते रहें. और मेरी दुआएं इस प्रोजेक्ट, प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, एक्टर्स हर एक के साथ हैं. एंड आई एम श्योर कि इतनी अच्छी टीम को दुआएं तो ज़रूर मिलेंगी और लगेंगी. सर, दो साल कोविड में OTT प्लेटफॉर्म पे कुछ अच्छी मूवी नहीं देखी, अच्छी सी चीज़ें नहीं देखी, अब क्या लगता है कि एक नया देखने को मिलेगा सर? बिल्कुल, बहुत अच्छे अच्छे कंटेंट आ रहे हैं. एंड इनफैक्ट कोविड का ये जो बंद हुआ था मामला, उसके चक्कर में बहुत वेन्यूज खुल गए हैं, एंटरटेनमेंट और ज़्यादा विकसित हो गया है. तो आई एम श्योर कि अच्छे अच्छे सब्जेक्ट देखने को मिलेंगे. और वैसे भी हम लोग घर पे जब होते हैं तो बहुत अच्छे अच्छे प्रोग्राम्स देखते हैं. आई एम प्राउड ऑफ देम. सर, अपने कैरेक्टर के बारे में बताइए, ये जो बन रही है उसमें आपका इसमें क्या कैरेक्टर? मेरा कैरेक्टर गाँव है, गाँव का सरपंच है, बस हंसते खेलते इधर उधर लोगों को तंग करते. ये मेरा फेवरेट है, महेश जो नत्थू बना है, इसके पिताजी मेरे दोस्त थे. तो बस थोड़ी बहुत तूतू मैं, थोड़ा बहुत प्यार, थोड़ा बहुत ये प्यारे कैरेक्टर हैं. मज़ा आएगा आपको देखने में, ज़्यादा मत बुलवाइए वरना सब सीक्रेट आउट हो जाए. डायरेक्टर ऑफ फोटोग्राफी फॉर दिस सीरीज. एंड ये एक सिंपल कहानी है, तो फोटोग्राफी वाइज भी हम उसको सिंपल रखने की कोशिश कर रहे हैं. बहुत सीनियर कलाकार है, आई एम श्योर ये बहुत अच्छी सीरीज बन के आएगी. और सोशल मैसेज भी है जो आई थिंक इस सोशल सब्जेक्ट पे अब तक ऐसा कोई शो बना नहीं, तो आई एम श्योर दिस विल बी अ वेरी गुड शो. थैंक यू. जैसे कि मौली जी ने कहा, महेश जी ने कहा, अंकुर जी ने कहा कि एक मैसेज जो एक संदेश जाए देश के और देश के युवाओं को कुछ सीखने मिले. हम अपनी पीढ़ी को क्या देके जाएंगे, ये एक चीज़ मैंने देखी कि जिससे उनको एक इंस्पिरेशन मिले, जिससे उनको पता चले कि हमारा देश क्या है और उसकी कोर वैल्यूज़ क्या है. तो कुछ अच्छा करने के लिए एक अच्छी कहानी चाहिए होती है, जो ये अच्छी कहानी है, एक सिंपल कहानी है, हैप्पी कहानी है. और उस कहानी में जो कैरेक्टर्स है जो काफ़ी सीनियर है, जिन्होंने बहुत सारा काम किया हुआ है, और वो उनको पता है कि किस तरीके से इस कहानी को आगे लिया जाए. अंकुर जी ने काफ़ी काम किया हुआ है, अंकुर जी ने बहुत सारी ऐसी सीरीज़ की हुई है जो इससे हटके है, लेकिन जब उन्होंने मुझे ये लाइन सुनाई तो मुझे लगा कि नहीं, आज इस देश को इस तरीके की कंटेंट की बहुत ज़रूरत है. और एक बसफ्लिक्स के माध्यम से अगर हम इसको व्यूअर्स तक पहुंचा सकते हैं तो इसे अच्छी कोई बात नहीं होगी. तो यही सोच के मैंने सोचा कि इसको आगे लेके जाते हैं. तो जैसे हर अच्छी चीज़ के पीछे जैसे कहते हैं कि भगवान जुड़ा होता है, तो इसमें भी वैसे ही हुआ. लोग जुड़ते गए, कारवा बनता गया, और अब आप देख रहे हो शूटिंग शुरू है. एवरीबडी इज़ हैप्पी स्माइलिंग, एंड आई एम श्योर आप लोगों को भी अच्छा लगेगा और आप भी इसे आगे बढ़ा के, क्योंकि ये अच्छा है इसलिए आप आगे बढ़ाओगे और सब लोगों को, दर्शकों को बताओगे. सर, एक क्वेश्चन, सर कलाकार की बात की जाए तो कलाकार अपने पुराने कलाकार लिए, आजकल नए कलाकार भी आते, क्या इनमें हुनर दिखा गया पुराने कलाकार में? कंपैरिजन नहीं करना चाहिए, लेकिन जो हमारे सीनियर कलाकार है, जो हमारे जैसे पेंटल साहब हो गए, हम इनकी फिल्में, हाँ हम उनकी फिल्में देख के बड़े हुए हैं. आप सत्य पे सत्ता देख लो,
तो जब मैंने पेंडल जी को इस चीज़ के लिए बताया और मैंने उनको सिर्फ एक ही चीज़ पूछी थी, सर कि इसमें थोड़ा सा रनिंग है, ठीक है, तो उन्होंने मुझे ये जवाब दिया कि आप मुझे मुंबई से पुणे तक दौड़ा दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस यही एक फ़र्क है वो कलाकार में और आज के कलाकार में। सर एक क्वेश्चन और, सर अगर लैंग्वेज की बात की जाए तो लैंग्वेज कौन कौन से लैंग्वेज ओटीटी प्लेटफॉर्म पे देखा जाएगा? ये हिंदी और फिर बसफ्लिक्स सब टाइटल करके इसको इंटरनेशनली भी प्रमोट करेगा, क्योंकि भारत सिर्फ भारत नहीं है, भारत ये पूरी दुनिया है, हमारे भारतीय सब जगह मौजूद है और वो चाहते हैं, सिर्फ भारतीय नहीं दूसरे लोग भी चाहते हैं कि भारत क्या है, भारत असल में क्या है वो देखना चाहते हैं, और मुझे पक्का यकीन है कि इस सीरीज़ के माध्यम से एक अच्छा कॉन्टेंट क्या होता है और एक सोसाइटी को एक अच्छा मैसेज किस तरीके से दिया जाता है ये बिल्कुल नज़र आ जाएगा। बाकी सबके बारे में तो बता ही दिया सब ने। मैं नथु जी की पत्नी हूँ, दुर्गा देवी। तो नथु जी जैसे शी इज़ अ सिंपल वूमन, हर औरतों की तरह उसकी अपनी ख्वाहिशें हैं, बट नथु जी इज़ बिज़ी उनके साइंस लेके, उनके विज्ञान लेके, उनके डिस्कवरीज इन्वेंशन लेके, जो इनको ज़्यादा समझ में नहीं आता है उनमें, उनको सिर्फ कूड़ा कचरा घर पे लेके आते हैं। तो शी इज़ काइंड ऑफ लाउड फ्रस्ट्रेटेड, एक बहुत ही क्यूट कैरेक्टर जो बहुत चिल्लाती भी है, कभी कभी इरिटेटिंग हो जाती है नथु जी के लिए, लेकिन आई थिंक इट्स अ नॉर्मल सिंपल औरत। उनके नज़रिए से ये साइंस का जो भी है उनको कुछ समझ में नहीं आता है, उनको लगता है मेरे पति मुझे ध्यान दे बेसिकली, तो इट्स दैट काइंड ऑफ अ क्यूट कैरेक्टर। जो आम पारिवारिक सीरियल उस हिसाब से बनाया गया, आपको देखा अभी आप सीन जो कर रही थी, काफ़ी मतलब एक ग्रामीण परिवेश को दिखाया गया है, उसके बारे में क्या कहते हैं? बहुत, जैसे अंकुर जी ने कहा ये धरती से जुड़ी हुई है, सो दिस शो हैज़ लॉट ऑफ सोल, बहुत ऑनेस्टी है, सिंप्लिसिटी है, और एक सिंप्लिसिटी में जो एक ब्यूटी है, एक अपनापन है, आई थिंक वो इसमें आपको मिलेगा। दर्शकों को क्या संदेश देना चाहेंगे मीडिया के माध्यम से? कि आई थिंक उनको लोग अच्छे कंटेंट देखना चाहते हैं, सो आई थिंक उनको, उनके पास ये जब पहुँचेगा आई एम श्योर दे गोइंग टू लाइक इट। तोड़ो नहीं जोड़ो, तोड़ो नहीं जोड़ो। तो यही मतलब, वो प्लास्टिक से कुछ बनाता है, इलेक्ट्रिसिटी बायोगैस जनरेट करता है, कूड़े से बायोगैस जनरेट करता है, एंड वी हैव दिस थिंग ऑफ बहुत ही मतलब वो अपनी दुनिया में रहता है, यू नो, और वो चीज़ों को मतलब सारी चीज़ें भूल के वो अपने ही दुनिया में रह के ही वॉन्ट्स टू क्रिएट न्यू थिंग्स फॉर द एंटायर विलेज। ओराचौरी विलेज है, यू नो, तो उस पर वो काम करता है सरपंच जी के साथ बैठ के, वो उसे चीज़ें दिखाता है, उसकी जो वाइफ है वो कंप्लीट उसे परेशान है कि मतलब वो पूरे कूड़े कचरे में घुसा रहता है रात दिन, यू नो, या तो अपनी चीज़ें बनाता रहता है रात दिन। तो देव शोन दिस कैरेक्टर के ही इज़ अ वेरी इंटेलिजेंट कैरेक्टर, मतलब जो आइंस्टाइन होता है आइंस्टाइन से भी थोड़ा सा ऊपर, यू नो, तो ही इज़ अ मैन फ्रॉम द फ्यूचर, लेकिन ही इज़ लिविंग विद इन दिस ओराचौरी विलेज, और ये जो विलेज में रह के ये विलेज को कैसे वो बदलने की क्षमता रखता है और करता भी है, तो दिस इज मोर लेस द कैरेक्टर। हाँ, इज लिटिल सेंट्रिक, ज़्यादा बात नहीं करता है, लेकिन जब बात करते हैं सिर्फ अपने ही विज्ञानों के बारे में बात करता है, सो दैट्स व्हाट ही इज अबाउट। सबसे पहले मैं ये बताना चाहता हूँ कि जब मैं बसफ्लिक्स में नरेशन के लिए गया था तो मुझे एक लाइन दी गई थी कि नथु नाम का एक आदमी है जो रिन्यूएबल एनर्जी पे विश्वास रखता है, तो इतनी लाइन थी। तो अब स्वच्छ भारत अभियान का परिणाम देश भर में क्या हो रहा है ये हम देख ही रहे हैं। अच्छा हुआ गंगा भी साफ हो गई, तो एक उसके पीछे एक मैसेज था, कुछ करने की चाह भी थी, बहुत सारा वेब कंटेंट करने के बाद, खून खराबा करने के बाद, थ्रिलर्स करने के बाद, बहुत सारे लोगों को दुखाने के बाद एक ऐसी सीरीज हाथ में आई जो जैसा कंटेंट हम बचपन से शायद सुनते आए हैं, हमें जो कहानियां बताई गई हैं वैसा एक कंटेंट बनाने की
बनाने का चांस, और बसफ्लिक्स ने, राकेश ने, समीर ने मुझ पर ये सीरीज लिखने की और डायरेक्ट करने का विश्वास रखा, ये बहुत बड़ी चीज़ थी। सिंपल सीरीज लिखना शायद आजकल मुश्किल हो गया है, क्योंकि शायद कॉम्प्लेक्सिटीज इतनी बढ़ गई है कि सिंपल चीज़ें और ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो गई हैं। तो स्वच्छ भारत अभियान है, रिन्यूएबल एनर्जी है, भारत सरकार की अनेक ऐसी योजनाएं हैं जिसका आधार लेके एक ऐसा कैरेक्टर बनाया गया जो कोट अनकोट कॉमन मैन शक्तिमान था। ही बिलीव्स इन रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी, ही बिलीव्स इन बेसिकली, अब ये जो मैं लाइन बोलूंगा किस अर्थ से ली जाएगी मुझे पता नहीं, बेसिकली तोड़ो नहीं जोड़ो। तो मजा आया, एक ऐसा यूनिवर्स, एक ऐसा वर्ल्ड क्रिएट करने में बहुत मजा आया जो सिंपल था, जिसमें कोई दुखी नहीं है, सब हैप्पी है। सर इसमें सारी चीजें देखी जा रही कि भंगार चीजें हैं, कुछ चीजें बंद हो चुकी है, इलेक्ट्रॉनिक चीजें हैं, कचड़े हैं साइड में रखे गए हैं, क्या दर्शाया गया उसमें से? सर पुरानी स्टोरीज जो साइड में रखी गई है ना, वो वापस लाने की कोशिश कर रहे हैं है ना। अब पता नहीं कितने लोगों को नुक्कड़ मालूम है, कितने लोगों को डीडी नेशनल की ऐसी सीरीज मालूम है जो शायद साइड में रखी गई है, भंगार कर दी गई है ना। मुझे आज पता ही नहीं है कि आज फ्लैट स्क्रीन आने के बाद कितने लोग इस देश में डीडी नेशनल देखते भी हैं। तो फिर डिटेक्टिव करमवीर हो, डायल 100 हो, आपका नुक्कड़ हो, ऐसा सिंपल कॉन्टेंट जो एक्चुअली हमारी नींव है, हमारा बेस है, वो कहीं हमने बाजू में रखा हुआ था, उसको भंगार बना दिया था, तो इसको रिन्यू करके उसमें नई जान डाल के ऐसी कहानियां आपके सामने लेके आने का प्रयास है बस। ओटीटी प्लेटफॉर्म है जो बेसिकली एक अलग टाइप के कंटेंट के लिए आजकल पहचान बना चुके हैं, जो पेंडेमिक पीरियड था उसमें एक प्लेटफॉर्म उभर के आया, लेकिन आप कुछ लीक से हट करके बना रहे हैं जो सबके साथ बैठ के देखा जा सके और एक आम परिवार से जुड़ी हुई कहानियां हैं, इसके बारे में क्या कहना? अब बाकी के ओटीटीज क्या कर रहे हैं इस पे कमेंट करने के लिए मैं बहुत छोटा हूँ। जो प्रीवियस कंटेंट मैंने एक ओटीटी के लिए किया वो भी शायद देशभक्ति से जुड़ा हुआ था, और ये भी जो कंटेंट है ऐसा है कि आई डोंट नो, मतलब ये कहना आजकल कितना सेफ है, बट आई लव माय कंट्री एंड आई विल ऑलवेज लव माय। संजीवन क्रिएशंस के तरफ से वेद सर जो है, कश्यप जी वेद सर, और ठक्कर सर की तरफ से एक आउटसोर्स करने जा रहे हैं बसफ्लिक्स ओटीटी के लिए। पहले मैं बसफ्लिक्स ओटीटी के बारे में बोलना चाहूँगा। बसफ्लिक्स ओटीटी एक नया ओटीटी चैनल हम आपके लिए व्यूवर्स के लिए एक लाने जा रहे हैं, जिसके अंदर में आपको सभी फैमिली कंटेंट जो कि आप एक साथ बैठकर देख सके विथ फैमिली, ऐसा कंटेंट बनाने का प्रयास करने जा रहे हैं, जिसका एक वेब सीरीज शूटिंग हम यहाँ पुणे में भोर गांव के अंदर में करने जा रहे हैं, जिसमें हम लोगों ने बचपन से देखते आए हैं महेश जी, पेंटर सर, मौली जी, हम सभी लोग इन्हें बचपन से देखते आए थे और इन्हें सीरियल्स में देखे, काफ़ी पिक्चर्स में देखे, फीचर फिल्म्स में देखे, बट स्टिल अभी हम लोग जिस तरीके से वेब सीरीज़ करने जा रहे हैं, एक वेब सीरीज़ जो एक मॉरल सब्जेक्ट के ऊपर में, जिससे हम सोशल मैसेज देना चाह रहे हैं समाज के लिए, और ये हमारा माध्यम जो है ओटीटी बसफ्लिक्स के माध्यम से हम एक समाज में एक अच्छी प्रेरणा देने की कोशिश करने जा रहे हैं। सो हमारे अंकुर जी उसके डायरेक्टर है, वेद सर हमारे प्रोड्यूसर जी है, और हमारा पूरा स्टारकास्ट हमारे साथ में है। सो बसफ्लिक्स ओटीटी के माध्यम से हम सिर्फ एक प्रयास करने जा रहे हैं कि हम हमारे जितने व्यूवर्स हैं जो कि इंडिया में हो, इंटरनेशनली हो, जो हिंदी सब्जेक्ट्स को, कंटेंट को बहुत अच्छे से देखना पसंद करते हैं, जिसमें कुछ अच्छी चीज़ें होती है, बच्चे से लेकर बुजुर्ग सब लोग देख सके, ऐसा हम कंटेंट तैयार करने की कोशिश कर रहे हैं। सर कुछ प्रधानमंत्री जो मुहिम चला रहे हैं कचरे को लेकर, ये आपका जो सीरियल है उसका कुछ मैसेज दे रहा है, उसके बारे में दर्शकों को बताएं।
इसके बारे में मिस्टर अंकुर जी अच्छे से बता पाएंगे, बिकॉज ऑफ इस कंटेंट के जो डायरेक्टर जी है अंकुर ही है, तो अंकुर अच्छे से बता पाएंगे। राइटर भी है।